जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि आप कैसे पॉलिसी की प्रीमियम की जो पेइंग मोड है, यानी कि जो मोड है, यानी कि आप जिसे हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जिस तरह आप प्रीमियम को पे करते हैं, उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कैसे प्रीमियम पेइंग मोड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि एक जो मेरा एक रीडर है जिन्होंने कमेंट किया था मेरा वीडियो पर, यूट्यूब की वीडियो पर, जिसमें कमेंट उन्होंने बताया कि कितने किस्त पे करने के बाद प्रीमियम की मोड को चेंज किया जाता है या फिर हम उसे बदल सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि कितने किस्त पे, यानी कितने इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद। देखिए, पॉलिसी जब शुरू किया जाता है तो उसकी एक डेट होता है कि आपने इतना तारीख को आपने पॉलिसी स्टार्ट की है या फिर इतना तारीख को आपने पॉलिसी खरीदी हुई है, जिसे पॉलिसी की बॉन्ड में लिखा होता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, उस डेट को आपका पॉलिसी शुरू की गई है। तो इसमें जो डेट है उसे डेट ऑफ कमेंसमेंट बोला जाता है। और अगर आपकी अगर रिन्यूअल जो प्रीमियम पे करने के बाद जो रसीद आपको दिया जाता है उसमें भी लिखा होता है ये डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी जो डेट है, आपने जिस तारीख को पॉलिसी शुरू की है, जिस तारीख को आपने पॉलिसी खरीदी हुई है, उस डेट को उस रसीद पर भी लिखा हुआ होता है। तो उस रसीद में लिखा हुआ तो वहाँ पर आपको DOC से लिखा होता है, वहाँ पर डेट आपका लिखा हुआ होता है पूरा, टाया कौन सा महीना है, तारीख और कौन सा ईयर में आपने पॉलिसी ली हुई है, उस डेट को वहाँ पर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग मोड के बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने क्वार्टरली ले, क्वार्टरली का जो प्रीमियम है, आपने क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में आप प्रीमियम पे करते हैं, तो जो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो मंथ है, जो महीना है, उसी महीने में आप प्रीमियम की जो पेइंग मोड है उसे आप बदल सकते हैं। कितना साल के बाद, ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है। अगर आपने पहला साल अगर आपने ईयरली प्रीमियम ले रखे हैं तो ठीक है, अगर आपने हाफ ईयरली प्रीमियम ले रखे हैं तो उस साल की जो प्रीमियम है, उस साल की जो प्रीमियम है उसको आपको पे करना है। 1 साल की, 2 साल की, 3 साल, 4 साल, ये जो 1, 2, 3, 4 की जो हम बात कर रहे हैं, ये 4 साल की प्रीमियम, अगर आपने 2 साल के बाद प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 2 साल के पूरा प्रीमियम पे करने के बाद, अगर आप 2.5 साल में प्रीमियम पेइंग अगर आपने 2.5 साल प्रीमियम पे कर लिया और उसके बाद अगर प्रीमियम की पेइंग मोड आप चेंज करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है। तो आपका जो डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो मंथ है, मान लीजिए आपने जनवरी महीने में आपने पॉलिसी शुरू की हुई थी 2001 का, 2001 में आपने जनवरी महीने में स्टार्ट की थी, तो आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो मंथ है वो जनवरी है। मान लीजिए आपने 2015 के अगस्त महीना में आपने पॉलिसी स्टार्ट की थी, तो आपका अगस्त महीना आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट की मंथ है। तो आप जब अगस्त में जब आपका प्रीमियम पेस्ट प्रीमियम आपको जब भुगतान करना होगा तो उस फर्स्ट प्रीमियम को पे करने से पहले आपका जो प्रीमियम की जो मोड है उसे आप बदल बदल दीजिए, और उसके बाद से आप प्रीमियम पेइंग की मोड का आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो मंथ है उसी मंथ में आप प्रीमियम पेइंग मोड को चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि वही वो एक महीना है जिसमें आपका साल का फर्स्ट प्रीमियम आप जमा करते हैं। हो सकता है 4 साल आपने जमा कर दिए, 5 साल जमा कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट की जो मंथ है उसी मंथ में प्रीमियम जमा करने से पहले, प्रीमियम जमा करने से पहले ही आपको प्रीमियम पेइंग मोड को आपको चेंज करना है। क्वार्टरली से आप हाफ ईयरली में जा सकते हैं, हाफ ईयरली में आप ईयरली में जा सकते हैं, अगर आपने मंथली नहीं अगर आपने स्टार्ट किया तो आप मंथली से में भी आप हाफ ईयरली ईयरली में जा सकते हैं। तो ये रहा वो बातें जिन्होंने जो सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझसे कमेंट में किया, वीडियो में कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि कितने किस्त पे करने के बाद प्रीमियम को हम जमा कर सकते हैं। तो आप उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, अगर आपने कभी भी आपने कई साल भी अगर आपने जमा कर दिए हैं तब भी आप प्रीमियम पेइंग मोड का चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपका साल का पूरा प्रीमियम खत्म होने के बाद ही, यानी नेक्स्ट आपका जब नया साल स्टार्ट होता है तो हर साल आप प्रीमियम पे करते हैं, तो जब साल का फर्स्ट प्रीमियम जब आप जमा करते हैं उससे पहले ही आप चेंज करवा सकते हैं, ईयरली बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और अपना सवाल पूछें, क्योंकि मैं हमेशा कमेंट चेक करता रहता हूँ और रिप्लाई देता हूँ हमेशा। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा सवाल है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका ज़रूर आपका रिप्लाई देंगे। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।